प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार 100% ODF का दावा कर रही है। हम आपको हकीकत बताते हैं, भोपाल में क्या स्थिति है, जमीनी स्थिति। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये साइड में लगा हुआ है, ये प्रदेश भाजपा कार्यालय है और इसके पास, इसके यहाँ पे हम खड़े हैं, ये माधव नगर कहलाता है और यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, सालों से निवास कर रहे हैं। झुग्गियाँ यहाँ बनी हुई हैं लेकिन यहाँ इनके घरों में शौचालय नहीं है। अब शौचालय मुक्त, पूरी तरह से बाहर शौचालय नहीं जाता है कोई, इससे मुक्ति का जो दावा है वो सरासर गलत माना जा सकता है। हम बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मनीष। ये कहाँ रहते हो? ये पीछे झुग्गी है हमारी। आप लोगों के यहाँ शौचालय बने? नहीं बने। फिर कैसे बाहर करते हैं? बाहर कॉम्प्लेक्स बनने से दोनों चले जाते हैं हम सर। और यहाँ सड़क पे भी करते हैं? नहीं, सड़क पे नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ कोने में कहाँ बोल रहे थे? यहाँ कोने में, वो गाड़ी वाले आते तो इधर बाथरूम का, तो कोने में। अच्छा अच्छा, बच्चे तो हम यहाँ कभी कभी बाहर कर लेते हैं। हाँ, बच्चे तो आप छोटे छोटे तो कर लेते सर। छोटे छोटे बच्चे कहाँ, यहीं बैठते हैं? हाँ, बैठ जाते सर, इधर ही बैठ जाते छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, आपके घर में बना है? नहीं बना, हमारे साथी में है। अच्छा, तो आपके घर में? हमारे तो एक ही है, एक ही परिवार। यहाँ बना है घर में? नहीं बना, नहीं बना। अच्छा, बाहर जाते। ठीक है, ये हकीकत है, ये है हकीकत, ये भोपाल की हकीकत है। ऐसे में पूरे मध्य प्रदेश की हकीकत जानी जा सकती है और पूरे देश के 100% ODF का सच भी समझा जा सकता है। कैमरामैन रवि यादव के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।